रामू और श्यामू दो बहुत अच्छे पड़ोसी हैं। रामू आज अपने स्कूटर से ऑफिस गया है और अपनी कार को घर पे ही खड़ा करके चला जाता है, क्योंकि वह पर्यावरण से बहुत प्यार करता है। लेकिन शाम को जब वह वापस आता है तो वह देखता है कि उसकी कार पर किसी ने बहुत बड़ा स्क्रैच मार दिया है। यह देखकर उसे बहुत ही गुस्सा आता है, तो वह घर जाकर अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों से इसके बारे में पूछता है। तो रामू की पत्नी कहती है, मैं तो सुबह से ही मार्केट गई थी शॉपिंग करने के लिए और अभी अभी घर वापस आई हूँ, मुझे इन खरोंचों के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बेटी कहती है कि मैं तो दिन भर पढ़ाई कर रही थी और मैं तो अभी बाहर आई हूँ, मैंने तो इन खरोंचों को देखा भी नहीं। फिर रामू अपने लड़के से पूछता है, तो उसका लड़का बताता है कि मैं तो सुबह से श्यामू अंकल के बच्चों के घर खेल रहा था और मुझे इनके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों की बातें सुनकर बता सकते हैं कि इन तीनों में से कौन सच्चा है और कौन झूठा? तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बताइए कि इन तीनों में से कौन झूठ बोल रहा है। दोस्तों, इस पहेली का जवाब इस पहेली में ही है, तो इसे ध्यान से देखिए और अपने जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और जाने से पहले हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।